दोस्तों आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच में ईडन गार्डन्स पर किस टीम की बोलेगी दूती, जाने क्या है हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और क्या होगी आज की प्लेइंग 11, बात करेंगे इस वीडियो में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड तक जरूर से देखिएगा और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का नवा मैच 66,000 दर्शकों की क्षमता वाले ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाना है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 1438 दिन बाद वापसी करने जा रही है। वहीं पर दोस्तों आरसीबी की टीम ने पिछले सीजन का पहला क्वालिफायर मैच इसी मैदान पर खेला था और लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर दूसरे एलिमिनेटर मैच में जगह बनाई थी। वहीं पर दोस्तों जहां आरसीबी की टीम इस सीजन अपना पहला मैच जीत कर आ रही है, तो वहीं केकेआर की टीम पंजाब के हाथों डकवर्थ लुईस नियम के तहत 7 रन से हार का सामना करके हार रही है। ऐसे में जब गुरुवार को दोनों टीमों के बीच में भिड़ंत होगी, तो आइए एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं कि किस टीम का पलड़ा इस मैदान पर भारी है। तो दोस्तों आरसीबी और केकेआर की टीम के बीच अब तक टोटल 30 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें कोलकाता की टीम ने 16 बार तो वहीं आरसीबी टीम ने 14 बार जीत हासिल की है। वहीं पर ईडन गार्डन्स के मैदान की बात की जाए तो आईपीएल के इतिहास में अब तक 77 मैच यहां पर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें से 31 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं 45 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के नाम रहे हैं। तो दोस्तों ये साफ दिखाता है कि मैदान पर ड्यू आती है और ड्यू आती है तो फिर जीत जो है वो आसान हो जाती है गेंदबाजी टीम की। तो यहां पर अगर यहां पर आप टॉस जीतते हैं तो यहां पर गेंदबाजी ही करिए। वहीं पर दोस्तों इस मैदान पर एक पारी का सर्वाधिक स्कोर 232 रन रहा है, जो कि केकेआर की मुंबई ने जो कि केकेआर की टीम ने मुंबई के खिलाफ 2019 में बनाया था। तो वहीं न्यूनतम स्कोर जो है वो 49 रन है, जो कि आरसीबी की टीम ने 2017 में कोलकाता के खिलाफ बनाया था। आरसीबी ने अपना आखिरी मैच ईडन गार्डन्स पर पिछले साल पहले क्वालिफायर के तहत लखनऊ के खिलाफ खेला था, जिसमें रजत पाटीदार ने 54 गेंदों में 112 रन की पारी खेलकर इस मैदान की सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। तो वहीं पर सुनील नारायण इस मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट 56 लेने का रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर रखा है। अब जानते हैं पिच का हाल। तो दोस्तों ईडन गार्डन्स के मैदान की बात की जाए तो ये हमेशा से ही बल्लेबाजों के समर्थन वाली पिच मानी जाती है। हालांकि जैसे जैसे मैच बीतता है स्पिनर्स को पिच से काफी मदद मिलती है, वो विकेट चटकाने की काबिलियत से मैच को बदल देते हैं। आईपीएल की तरह अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में भी यहां पर रन चेस करने वाली टीम का पलड़ा भारी है। यहां पर कुल 12 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने तो वहीं 7 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। दोस्तों मैच की सारी जानकारी की बात करें तो ये आईपीएल 2023 का मुकाबला नंबर 9 है, जो कि आरसीबी और केकेआर के बीच में खेला जाएगा और शाम को 7:30 बजे से ये मुकाबला कोलकाता की ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाएगा। वहीं पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो आप जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों संभावित प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों केकेआर की प्लेइंग 11 में यहां पर कोई बदलाव मुझे लगता है नहीं होगा, जहां पर इनकी प्लेइंग 11 में आर गुरबाज, मनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, टिम साउदी, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। वहीं पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ये वेंकटेश अय्यर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पर आरसीबी की बात करें तो विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, कर्ण शर्मा, इसके अलावा हर्षल पटेल, डेविड विली, आकाश दीप और मोहम्मद सिराज, यानी कि डेविड विली की वापसी जो है वो हो सकती है रीस टॉपले की जगह पर, और डेविड विली हमें रीस टॉपले की जगह पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और पावर प्ले में गेंद को स्विंग कराते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये रहेगी आरसीबी की प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ये सुयश प्रभु देसाई को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहेगी आरसीबी की प्लेइंग 11। तो अब आपके हिसाब से कौन सी टीम जो है वो जीतेगी मैच, इस पर आप अपनी राय जरूर से दें, क्योंकि दोस्तों हमने कल भी एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने आपको पूरा कंपैरिजन करके बताया था इस टीम का कि कौन सी टीम जो है वो किस पर भारी पड़ रही है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मुकाबला होगा आरसीबी का, उसकी भी हम कंपैरिजन करके आपको बताएंगे, कंपैरिजन वीडियो पूरे स्टैट्स के साथ में लाएंगे आपके लिए। तो भैया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। धन्यवाद।